देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हमने आपको कल ही बताया था, देखिए पारस भी झुकने के मूड में नहीं है, सूरजभान सिंह भी अड़ गए हैं, और आज यही हुआ। देखिए दिल्ली में पारस खेमे की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, और बैठक के बाद पशुपति कुमार पारस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान किया है, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा, नवादा से चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे, और समस्तीपुर से प्रिंस पासवान चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, क्या महागठबंधन से लड़ेंगे? जी नहीं, साफ पशुपति कुमार पारस ने कहा है इंडी गठबंधन में जाने का सवाल ही नहीं है। देखिए हाजीपुर बीजेपी तो चिराग पासवान को दे चुकी है, तो क्या अब बीजेपी चिराग पासवान से वो हाजीपुर सीट वापस ले लेगी? देखिए चिराग पासवान को जो कमिटमेंट कर दिया गया है वो बीजेपी पूरा करेगी, चिराग पासवान से कुछ बीजेपी वापस नहीं लेने जा रही है। तो इसका मतलब क्या, क्या पशुपति कुमार पारस अकेले चुनावी वैतरणी पार करने जा रहे हैं? अकेले चुनावी मैदान में जाएगी उनकी पार्टी? देखिए ये बड़ी खबर, जिस तरह से ऐलान हुआ है पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि सूरजभान सिंह अड़ चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीतिक हस्ती को, मेरी राजनीतिक विरासत को इतनी आसानी से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ना राज्यसभा जाने को तैयार हुए हैं, ना राज्यपाल बनने को तैयार हुए हैं, ना प्रिंस पासवान बिहार में मंत्री बनने को तैयार हुए, बल्कि दावा ठोक दिया गया है। ये भी कहा गया है कि बीजेपी ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया है, लेकिन फिलहाल अभी भी हम एनडीए का पार्ट है और बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी की सूची आने के बाद, और देखिए बीजेपी की सूची पहले से तय है, पहले से तय है, चिराग पासवान को 5 सीटें दी जा चुकी हैं, हाजीपुर भी दिया जा चुका है। तो क्या पशुपति कुमार पारस 2020 में जो चिराग पासवान ने खेला किया था, अपने भतीजे की स्ट्रेटेजी को ही अपनाकर, अपने भतीजे की स्ट्रेटेजी को ही अपनाकर पारस जो है वो चुनावी मैदान में जाएंगे? और अगर इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर जाते हैं तो ये तय मानिए सिर्फ 3 सीट नहीं बल्कि 10 ऐसी सीटें चिन्हित की जाएंगी जहां पर पासवान वोट है, जहां पर भूमियार वोट है, जहां पर सूरजभान सिंह की अपनी पकड़ है। तो बेगूसराय, उजियारपुर, जमुई, नवादा, कई ऐसी सीटें हैं, उजियारपुर, जहां पर बीजेपी यानी एनडीए कैंडिडेट के लिए ये लोग मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आज विशेष परिस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप सभी साथियों को जानकारी है कि एक महीने के बाद अप्रैल और मई में पूरे देश के लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और संभवतः एक दो दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाए। एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं, हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई, और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय गृहमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। वो देश के बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी, आज विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है, और मैं एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूँ। हमारे दल से हम लोग 5 सांसद हैं, 3 सांसद अभी आपके अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरजभान दा हैं, हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी हैं जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं, और हमारे पार्टी के सभी तमाम सदस्य आज बैठक में मौजूद थे। हम लोगों ने बैठक की और भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है, और काफी लोग निराश हैं, और राजनीति करने वाला आदमी
तो साधु का जमात नहीं होता। राजी करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना होता है। और ये लोकतंत्र का तकाजा है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है अभी 10 मिनट पहले, उसमें पार्टी के लोगों का, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे, उनका फैसला आया कि जब तक विधिवत भाजपा का लिस्ट प्रसारित नहीं होता है, तब तक हमारा आग्रह है, हमारी पार्टी के लोगों का आग्रह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से, कि हमारी पार्टी के जो 5 सांसद हैं पुनः अपने फैसला पर विचार करें। और जब तक विधिवत लिस्ट की घोषणा नहीं होती है, तब तक हम लोग उस लिस्ट का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया, तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फिर यही मेरा आज तक समाधान से मेरा नहीं रहता है। देखिए, हमारी बातचीत अभी किसी से नहीं हुई है। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किसी नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, लेकिन हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजी करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजी करने वाला आदमी राजी करता है, चुनाव पर हम विश्वास करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता, एक नियम है गठबंधन धर्म का, नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप थोड़ा विचार करिए, कोई दलित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दूँ, बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, इसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया, और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद सांसद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया। इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं अभी यहाँ मौजूद हैं, हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़े हैं। हमारी पार्टी का फैसला, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। सबके लिए खुला बाजार, गेट के खुला हुआ है, सब लोग आएंगे। दरवाजा खुला, मैंने पहले कहा, पर सुन लीजिए, मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति के, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली, जब तक सूची नहीं मिल जाता है, तब तक हम इंतजार करेंगे। और मैं अभी पुनः फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ कि अपने विचार पर पुनर्विचार करें। तो अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश, तो क्या इस दबाव में बीजेपी झुकेगी? आगे क्या कुछ करेंगे पारस? क्या
बीजेपी के लिस्ट में क्या बीजेपी के नेता पारस को मनाएंगे? देखिए बहुत दिलचस्प हो गया है चाचा भतीजे का खेल, और ऐसे में अगर बीजेपी नहीं मानी तो क्या हाजीपुर में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान और अपनी पार्टी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, अभी भले ही पारस कर रहे हैं लेकिन आगे हो भी सकता है कि गठबंधन कर ले, तो क्या हाजीपुर से चाचा भतीजे की लड़ाई भी देखने को मिलेगी?